Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, students, take out your science book, chapter 7, Birds, Food and More. Okay. In our previous class, we have done this chapter up to page number 61. Today we will do this oral questions. We will start from here. Open your page number 61. Choose the correct answer. Okay. First question is, strong and chisel shaped beaks help birds to tick on this option, tap the bark of trees. This option will come. Okay. Strong and chisel-shaped beaks help birds to tap the bark of trees. Now look at your number 2 question. The broad and flat beak of a duck. Broad or flat beak kiski hoti hai? Duck ki. Has tiny holes on the sides. Aur isme sides mein tiny holes bhi hote. Clear? So today we will start how does a bird fly. बर्ड फ्लाई कैसे करता है. अ बर्ड हैज अ वेरी लाइट बॉडी मेड अप ऑफ हॉलो बोन्स एंड थिन प्लेट्स. जो बर्ड होता है बेटा उसकी बॉडी बहुत लाइट होती है एंड दैट इज मेड ऑफ हॉलो बोन्स. बहुत हल्की बोन्स से और थिन प्लेट से बनी हुई होती है ना. द बॉडी हैज अ स्ट्रांग फ्रेमवर्क ऑफ बॉन्स. और उसकी बॉडी में एक स्ट्रांग फ्रेमवर्क होता है मेड अप ऑफ बॉन्स. पूरा एक फ्रेमवर्क बना है बॉन्स का है ना. मोस्ट ऑफ द बॉन्स हैव अ स्पेशल शेप. और सबकी बॉन्स की एक स्पेशल शेप होती है. ऑल्सो द बॉडी इज शेप्ड लाइक अ बोट. और बॉडी जो होती है बेटा वो भी उसकी भी शेप एक बोट की तरह बनी हुई होती है. This shape helps it to cut through air. और उनकी ये जो shape होती है body की वो air को cut करके उस आगे बढ़ने में उनकी help करती है. Just as we have arms, a bird has wings. जैसे हमारी arms होती हैं bird के पास उनके wings होते हैं. These wings have feathers which help it to fly. और उनके wings में feathers होते हैं. देखा है ना आपने उनके wings फैदर्स गिरे हुए भी मिलते हैं हमें कहीं कहीं पर जब हम देखते हैं. तो ये जो फैदर्स होते हैं बेटा वो उनको फ्लाई करने में उनकी हेल्प करते हैं. द विंग्स आर अटैच टू द बर्ड्स बॉडी. और ये विंग्स बर्ड की बॉडी के साथ अटैच होते हैं विथ स्ट्रांग मसल्स. स्ट्रांग मसल्स के साथ. दिस मसल्स हेल्प इट टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. और ये मसल्स ही उनको उनके विंग्स को अप डाउन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने में उनकी हेल्प करते हैं. क्लियर. नाउ टर्न द पेज. अ बर्ड्स टेल एक्ट्स लाइक द रडर ऑफ अ बोट. जो बर्ड की टेल होती है वो बोट के रडर की तरह उनकी हेल्प करती है. जैसे बोट की रडर्स को आप घुमा के बोट को आगे लेकर जाते हो ना. जो बोट की पतवार होती है जैसे हम पानी को पीछे फेंकते हैं और बोट आगे चलती है ऐसे ही बर्ड की टेल क्या होती है. यही वर्क बर्ड की टेल करती है ना. बर्ड को आगे मूव करने में उसकी हेल्प करती है. इट हेल्प्स द बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग. और ये बर्ड को उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं उनकी टेल उसमें हेल्प करती है. Now first of all we'll read wing movement. Wing movement कैसे होती है. A bird does not fly by simply flapping its wings up and down. अब जो bird होता है वो simple अपने wings को up and down flap करके नहीं move कर सकता. The wings have two types of movements. अब जो wings होती है उनकी two type की movement होती है. First होती है upstroke and second one is downstroke. अपस्ट्रॉक में क्या होता है. द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड. अपस्ट्रॉक जो मूवमेंट है उसमें विंग्स अपवर्ड मूव होंगे ऊपर की तरफ और बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव होते हैं. और डाउनस्ट्रॉक विंग्स की हेल्प से
जो विंग्स की मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड होती है और फॉरवर्ड होती है, नीचे की तरफ और आगे की तरफ. सो दिस इज द वर्क ऑफ अपस्ट्रोक विंग एंड डाउनस्ट्रोक विंग्स. नाउ फेदर्स ऑफ बर्ड्स. अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ स्मॉल एंड फ्लफी फेदर्स टू कीप इट वार्म. बर्ड की जो बॉडी होती है वो बहुत स्मॉल और फ्लफी फेदर्स से कवर होती है, और ये स्मॉल और फ्लफी फेदर्स बर्ड की बॉडी को वार्म रखने में उनकी हेल्प करते हैं. दीज आर कॉल्ड डाउन फेदर्स, और इन फेदर्स को डाउन फेदर्स भी कहा जाता है. द लॉन्ग फ्लैट फेदर्स अटैच टू द विंग्स एंड टेल हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. जो लॉन्ग और फ्लैट फेदर्स होते हैं, दीज फेदर्स अटैच टू द विंग्स एंड टेल. ये फेदर विंग और टेल के साथ अटैच होते हैं और बर्ड को फ्लाई करने में उनकी हेल्प करते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स. क्लियर? वुड यू लाइक टू फ्लाई लाइक अ बर्ड? वेल, यू विल नीड विंग्स एंड अ टेल टू फ्लाई. अगर आप भी बर्ड की तरह फ्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? बर्ड की तरह ही विंग्स चाहिए और एक टेल चाहिए. योर बॉडी विल हैव टू बी कवर्ड विद फेदर्स, और आपकी बॉडी भी फेदर्स के साथ कवर होनी चाहिए. बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि गॉड ने हमें ऐसा नहीं बनाया, सिर्फ बर्ड को ऐसा बनाया है ना. नाउ लुक एट दिस ऑरल क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर. अ बर्ड हैज अ वेरी लाइट बॉडी. यू विल टेक ऑन लाइट. अ बर्ड हैज अ वेरी लाइट बॉडी मेड अप ऑफ हॉलो बोन्स एंड थिन प्लेट्स. फर्स्ट आप लाइट पर टिक करोगे, देन आप हॉलो पर टिक करोगे, एंड देन थिन पर टिक करोगे. देन सेकेंड क्वेश्चन, इन द डाउन स्ट्रोक मूवमेंट द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप टिक करोगे. क्लियर? नाउ नेस्टिंग हैबिट्स. अभी हम रीड करेंगे नेस्टिंग हैबिट्स के बारे में. क्लियर बेटा? बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स. जो बर्ड्स होते हैं बेटा, वो नेस्ट किस लिए बनाते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट उनको नेस्ट बनाना होता है जब उनको अपने एग्स देने होते हैं, है ना. अगर उनके पास नेस्ट नहीं होगा तो उनके एग्स खराब हो जाएंगे, कहीं भी गिर जाएंगे, कोई उसे खा लेगा. तो इस डर से वो क्या करते हैं, फटाफट से अपना नेस्ट बनाते हैं ताकि वो एक सेफ जगह पर अपने एग्स को ले कर सके. दे चूज प्लेसेस विच आर सेफ फ्रॉम एनिमीज. वो एक ऐसा प्लेस चूज करते हैं जो एनिमीज से सेफ हो और जहाँ वेदर कंडीशन भी अच्छी हो, है ना. जहाँ पर बैड वेदर का कोई इफेक्ट ना पड़ पाए, जहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं पहुँच पाए, वो एक ऐसा प्लेस सर्च करते हैं और एक ऐसे प्लेस पर अपना नेस्ट बनाते हैं. बर्ड्स यूज मटीरियल लाइक ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन थ्रेड, वुल, फेदर, हेयर, पीसेज ऑफ क्लॉथ, पेपर एंड पैबल्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. तो अपना नेस्ट बनाने के लिए वो ये सब मटीरियल यूज करते हैं, जैसे ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन थ्रेड, वुल, फेदर, हेयर. आपने देखा होगा बर्ड को ये सब चीजें जब मिलती हैं तो वो उठा उठा कर वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर उनको नेस्ट बनाना होता है. इस सब मटेरियल को इकट्ठा करके वो अपना नेस्ट बनाते हैं. द एग्स आर लेड इन द नेस्ट, और फिर उस नेस्ट में एग्स देते हैं. आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच एंड बेबी बर्ड्स कम आउट. कुछ टाइम के बाद एग की हैचिंग होती है और उसमें से बेबी बर्ड बाहर निकलता है. वेन द बेबी बर्ड्स आर बिग इनफ दे फ्लाई अवे. जब बेबी बर्ड होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो फ्लाई कर पाते हैं. मोस्ट पेरेंट बर्ड्स आर ऑल्सो लीव द नेस्ट, और जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो उस नेस्ट को फिर बेटा छोड़ देते हैं. कई कुछ एक बर्ड्स ऐसे होते हैं बस वो एग्स देने के लिए नेस्ट बनाते हैं, और जब उनके बेबी फ्लाई करने लगते हैं, बड़े होते हैं, तो वो उस नेस्ट को छोड़ देते हैं. They build new nest when they have to lay eggs again. और फिर से वो नया nest बनाते हैं जब उन्हें फिर से egg देने होते हैं. Clear? And do you know one thing? The ostrich is the largest and the heaviest living bird. जो ostrich है बेटा वो बहुत largest, सबसे ज़्यादा largest और heaviest living bird है. It cannot fly. ये fly नहीं कर सकता है.
बट इट कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर. लेकिन ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रन कर सकता है. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट लिविंग बर्ड. क्लियर? नाउ वी विल रीड अबाउट टेलर बर्ड. इसको टेलर बर्ड क्यों बोलते हैं, अभी हम ये रीड करेंगे. द टेलर बर्ड यूजेज इट्स बीक लाइक अ नीडल. जो टेलर बर्ड होता है बेटा, आप देखोगे पिक्चर में, यू कैन सी दिस इज द टेलर बर्ड. और ये अपनी बीक को, अपनी चोंच को एक नीडल की तरह यूज करता है. नीडल मतलब सुई, देखिए ना जैसे हम मामा कपड़े स्टिच करती है सुई धागा, उस नीडल की तरह ये अपनी बीक को यूज करता है टू सीव लीव्स, लीव्स को सिलने के लिए. और क्या मटेरियल यूज करता है, थ्रेड एंड वूल. थ्रेड एंड वूल को यूज करके वो अपनी बीक का यूज करते लीव्स को स्यू करता है. दिस इज वाई दैट इज कॉल्ड अ टेलर बर्ड. इसीलिए उसको टेलर बर्ड का नाम दिया गया है. द नेस्ट इज मेड कॉजी विथ कॉटन वूल हेयर और ड्राई ग्रास. और वो अपने नेस्ट को एकदम कोजी बनाता है विद द हेल्प ऑफ कॉटन वूल हेयर और ड्राई ग्रास. इतनी नॉलेज होती है इन बर्ड्स को, कितने अच्छे से अपने नेस्ट को कोजी बनाते हैं ताकि उनके बेबी बर्ड्स को, उनके बेबीज को ठंडी नहीं लगे और वो वार्म रहें. ठीक है, तो ये सब मटेरियल वो यूज़ करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द वीवो बर्ड. द वीवो बर्ड मेक्स अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट. वीवो बर्ड एक बहुत सुंदर और स्ट्रॉन्ग नेस्ट बनाता है विथ ट्विग्स एंड ग्रास. ट्विग्स एंड ग्रास की हेल्प से इट वीव्स द ग्रास इन एंड आउट रिपीटेडली. या ग्रास को इन एंड आउट अगेन एंड अगेन वीविंग करता है, सिलता है. द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री. देखो आप नेस्ट कैसे हैंग हुआ हुआ है एक ब्रांच के साथ, है ना. ये वीवो बर्ड है और ये इसको स्यू कर रहा है. और एंड में देखो ये टनल टाइप बना होता है, इस टनल से ही वो एंट्रेंस रखता है अपनी नेस्ट की. इस टनल से होकर वो अंदर जाता है. द बर्ड एंटर्स इट्स होम थ्रू अ टनल लाइक ओपनिंग. ये इसकी ओपनिंग है नेस्ट की और इस टनल के थ्रू वो अंदर जाता है अपने नेस्ट में. देखो कितना सुंदर नेस्ट बनाया है इस बर्ड ने. नाउ ईगल. द ईगल बर्ड्स लाइक द ईगल एंड द वल्चर मेक नेस्ट बाय गैदरिंग अ फ्यू स्टिक्स एंड सिंपली पुटिंग देम टुगेदर इन द शेप ऑफ अ शेलो कप. ईगल क्या करती है बेटा, वो स्टिक्स और कुछ स्टिक्स को इकट्ठा करके और उनको एक साथ लगाकर एक टुगेदर पुट करके अपना एक नेस्ट बनाती है जिसकी शेप क्या होती है, शेलो कप की तरह होती है, जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता. ईगल और वल्चर ये दोनों स्टिक्स को यूज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, एक शेलो कप की शेप होती है. Now next one is the woodpecker. The woodpecker pecks a tree trunk with its beak to make a hole. Woodpecker क्या होता है, ट्री की जो ट्रंक होती है उसको पैक करता रहता है, टक करता रहता है उसमें अपनी बीक से, उसमें एक होल बना देता है, है ना. टू मेक इट्स नेस्ट कोजी इट लाइन्स द होल विथ चिप्स ऑफ वुड. और अपने नेस्ट को कोजी बनाने के लिए वो उसमें वुड के छोटे छोटे पीसेस फिल कर देता है ताकि उसके बेबीज को ठंडी नहीं लगे, वो भी अपने नेस्ट को कोजी बनाता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पेंगुइन. द पेंगुइन कलेक्ट्स अ फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड. आप सबने पेंगुइन देखा है ना, दिस इज द पेंगुइन. ये क्या करता है बेटा, छोटे छोटे पेबल्स और स्टोन्स को इकट्ठा करता है. पेबल्स भी छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उन्हें इकट्ठा करता है और उसकी हेल्प से ग्राउंड पर अपना नेस्ट बनाता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ सम ईगल्स एंड देयर नेस्ट. हियर अ वुडपेकर एंड इट्स नेस्ट एंड हियर पेंगुइन एंड देयर नेस्ट. यू कैन सी इन द बुक. क्लियर? नाउ टर्न द पेज बेबी. नाउ लास्ट वी विल रीड केयरिंग फॉर द यंग. अब जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं बेटा, ये सब अपने बेबीज की केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं. आफ्टर द मदर बर्ड लेज हर एग. जब मदर बर्ड ले एग को ले करती है, शी सिट्स ऑन देम टू कीप देम वॉर्म.
वो उसके ऊपर बैठकर बेटा नेक्स्ट के ऊपर बैठकर उनको वार्म करती है, ठीक है. द फादर बर्ड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज. और जो फादर बर्ड होते हैं वो अपनी ड्यूटी करता है, वो अपना रोल प्ले करता है, वो एनिमीज से अपने बेबी की रक्षा करता है ना. मदर बर्ड उनके ऊपर बैठकर उनका ध्यान रखती है, एग को वार्म करती है. जब वो एग को वार्म करती है कुछ दिन, उसके बाद एग में से बेबी बनता है. और दैट टाइम जो फादर बर्ड होते हैं वो अपने बेबीज की एनिमीज से रक्षा करता है, अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करता है. व्हेन द बेबीज कम आउट, जब बेबी बाहर आ जाते हैं, दे आर वीक एंड फेदरलेस. वो एक तो वीक होते हैं और उनके पास फेदर भी नहीं होते हैं. देयर आईज आर क्लोज, उनकी आईज क्लोज रहती हैं. द पेरेंट्स फीड देम एंड कीप देम वार्म, उनके पेरेंट्स उनको खाना खिलाते हैं और उन्हें वार्म रखते हैं. दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर, वे उनको एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं, बैड वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं हमारे बेबीज को ठंड नहीं लग जाए. ऐसा हम भी करते हैं ना अपने बेबीज के लिए, ऐसी बर्ड भी, मम्मा बर्ड पापा बर्ड अपने बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं. द बेबीज ग्रो वेरी फास्ट, और जल्दी जल्दी बेबी ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. द पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबीज टिल देयर फेदर्स ग्रो, और पेरेंट्स तब तक अपने बेबी का इतना ध्यान रखते हैं जब तक उनके फेदर ग्रो नहीं कर जाते. एंड दे लर्न टू फ्लाई, और जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते. एंड लुक फॉर फूड ऑन देयर ओन, और जब तक वो अपना फूड खुद से सर्च करना स्टार्ट नहीं करते थे, ठीक है. नाउ यू नो अलॉट अबाउट बर्ड्स, अब आपको बहुत सारी चीज़ें बर्ड्स के बारे में पता लग गई हैं. इफ़ यू सी अ नेस्ट विद एग्स इन इट, डू नॉट डिस्टर्ब इट, अगर आपको कोई नेस्ट दिखाई देता है जिसमें एग्स हो, उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए बेटा. वॉच इट एवरी डे, उन्हें डेली देखो. सून यू विल सी लिटिल बर्ड्स इन द नेस्ट, बहुत ही जल्दी आपको उसमें लिटिल बर्ड्स भी दिखाई देंगे. वॉच द बर्ड्स ग्रो, बर्ड्स को बड़े होते हुए देखो. एंड रिमेंबर ऑलवेज वॉच बर्ड्स क्वाइटली एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस सो एज नॉट टू डिस्टर्ब देम, हमेशा बर्ड्स को बेटा क्वाइटली देखो और उनसे थोड़ी दूरी बना के देखो ताकि उनको आप डिस्टर्ब नहीं करो, है ना. हमें भी इन सब बर्ड्स का बहुत केयर करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए. सो ये चैप्टर भी बेटा आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएगा, तो यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू द न्यू वर्ड्स एंड आंसर की. टिल देन रीड दिस चैप्टर केयरफुली. ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय.